हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू एन अनदर मेकअप वीडियो। यार बहुत टाइम के बाद मैं पोस्ट करी हूँ ना, तो अभी रिसेंटली महाशिवरात्रि थी तो मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट किया था, तो सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि कैसे है ना कि शेयर करने से प्यार पड़ता है, राइट? तो यस, मुझे आप सब्सक्राइब कर दो, मैं हर एक चीज़ आपसे शेयर करती रहूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं मोस्टली करती ही रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्टली यूज़ किया है इनसाइड का प्राइमर 3-in-1, प्राइम भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है। तो आज के मेकअप पे मैं आज के क्या, मैं जब कभी रश में रहती हूँ और मुझे कभी बाहर जाना होता है फटाक से, तो मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ कंसीलर पे वर्क करती हूँ। तो मैं यहाँ पे मेबेलिन का कंसीलर लिया है मैंने, और मेरा शेड है फॉर रेफरेंस 120 आइवरी, और मैं अच्छे से हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ब्रश से लेके या फिर स्पॉन्ज से लेके मैं अच्छे से इससे मर्ज करूँ मेरे स्किन में। बट क्या होता है ना कि फाउंडेशन तो यूज़ नहीं कर रहे हो आप, पर आपके जो पिगमेंटेशन है इवन बेस आने के लिए आपको कुछ तो चाहिए ना, तो फिर आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो। तो बीबी क्रीम यूज़ करने के लिए बहुत ईजी है, बस लगा लो एंड हाथ से आप अपने पूरा स्मच कर लिया आपके पूरे स्किन पे। फिर उसके बाद मैं सेट कर रही हूँ मेबेलिन के फिट मी कॉम्पैक्ट से, और इसका पैकेजिंग क्या घटिया है यार, मतलब स्पॉन्ज नीचे से निकालो, फिर प्रोडक्ट ऊपर से लो, वापस से प्रोडक्ट नीचे करो, वापस उस शीशे में देखो, फिर यार ये एक बकवास चीज़ हो जाती है। बट कुछ भी बोलो, प्रोडक्ट सही है, फाइन लाइंस में जाके बैठता नहीं है आपका प्रोडक्ट, तो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कभी मुझे बाहर जाना होता है ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं आई शेडो क्या लगाऊँ। तो बेस्ट है कि आप एक कोई भी काजल ले लो, मैं यहाँ पे ममाअर्थ का कोल काजल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ले लो आपके पास जो भी होगा वो, और अच्छे से उसको लाइनर जैसे आप लगाते वैसे लगा लो एंड उसको स्मजर ब्रश से स्मज कर लो, और वैसे ही आपको वाटर लाइन में भी करना है, जैसे आपको दिख रहा है कि वाटर लाइन में मैंने किया है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, सॉरी, बट क्या करें, और वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि उस टाइम मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, और अभी मैं कर रही हूँ तो मैं ऑफिस में होते, थोड़ा सा मेरे साथ में बेयर कर लो। तो यस, दोनों आँखों में आपको ऐसा कर लेना है, और क्या सही लगता है, देखो मेरी आंखें अभी तक आपको काली दिख रही थी ना, अभी मेरा आईबॉल ब्राउन दिखने लग गया। और मस्कारास मेबेलिन के तो बहुत ही बढ़िया है, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाइपर कल मस्कारा, देख सकते हो कि मेरे ओरिजिनल लैशेस ही इतने अच्छे लग रहे हैं कि मुझे फेक लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं फेक लैशेस यूज़ करना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं लैशेस पर्सन हुई नहीं, ठीक है, तो मुझे नहीं पसंद। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ बहुत अच्छे से, थोड़ा सा बोल्ड लगा रही हूँ क्योंकि आई की डेफिनेशन आनी चाहिए ना, क्योंकि बाकी तो मेकअप है ही नहीं, कुछ हैवी मेकअप तो कुछ कर ही नहीं है, बहुत लो मेकअप कर रहे हैं हम, तो यस थोड़ा सा आई डेफिनेशन होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड आईब्रो फिल कर दिए हैं मिस क्लेयर के पेंसिल से, और उसके साथ में जो ब्रश आता है ना उसी से मैंने वापस से उसको अच्छे से ठीक कर लिया। यहाँ पे स्टेक वर्की का मैं ले रही हूँ पिंक कलर का ब्लशर, जो कि बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं है, और इसका शेड मुझे पता नहीं है, सॉरी इसका शेड मुझे पता नहीं है, बट ये बहुत लाइट है तो कितना भी लगा लो ये लगता ही नहीं है कि ज़्यादा लगाया है, बट एक विद इन ग्लो आता है कि आप अंदर से ब्लश कर रहे हो, तो अच्छा लगता है मुझे। ये वाला शेड इतना टूट गया ना, फिर भी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, एंड इनसाइड के मेकअप फिक्सर से मैं मेकअप फिक्स कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं स्टेक वर्की की डार्क ब्राउन लिपस्टिक, जो कि मेरे मम्मी ने मेरे को सजेस्ट किया कि तू ये लगा, इसके ऊपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि व्हाइट कुर्ता एंड प्लाजो था मेरा ड्रेस, तो मम्मी ने बोला कि तेरे पे ये अच्छा जाएगा, तो मैंने भी बोला ठीक है मम्मी का सुन लेती हूँ, मैंने लगा लिया। फिर मेरी बहन आके बोलती है दीदी नहीं अच्छा लग रहा, बहुत बकवास दिख रही है, उसने ऐसा बोला, तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मेरे को लगा, बट नहीं मेरे पास है ना आइडिया, मैंने कंसीलर लेके उसको लाइट कर दिया। मेरी मम्मी पूछ रही तूने कैसा किया फटाक से एकदम ऐसा, तो मैंने बोला अरे मेरे पास दिमाग है तो मैंने कंसीलर लगा के इसको लाइट कर दिया, तो ये पूरा इसने अपना शेड ही चेंज कर दिया, मतलब ये ब्राउन टोन में था अब ये पिंक टोन में आ गया, मॉविश टाइप दिख रहा है, मॉविश डार्क मॉविश दिख रहा है, तो ये मेरे स्किन टोन पे अच्छा जा रहा था। तो मेरा ना हमेशा की तरह ही है कि मेरे को हेयर स्टाइल करने बिल्कुल भी नहीं आता है यार, तो मैं ये जैसे मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक है वैसा सिग्नेचर मेरा हेयर स्टाइल है, दो फ्लिक्स निकालो एंड पीछे से ऐसे क्लेचर लगा के ख़त्म कर दो बाद। और ये रहा मेरा मेकअप लुक इयररिंग्स के साथ में, कैसा लगा जरूर बताना, और सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को, ये वीडियो को तो जरूर लाइक करना, ठीक है, कमेंट भी करना मैं कैसी लग रही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।